तो हमारे सहयोगी चैनल पे राजदीप सरदेसाई और अंकित त्यागी से ये बातचीत आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल की, एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। Congratulations, Arvind. Huge win. What does this victory mean for you? Is this even bigger than what happened in 2015 from a personal and party point of view? मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है जो आज दिल्ली के लोगों ने की है कि एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है, काम की राजनीति, और कि अब स्कूल बनाने पे वोट पड़ने चाहिए, अस्पताल बनाने पे वोट पड़ने चाहिए, बिजली 24 घंटे करने पे वोट पड़ने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, अपने देश के लिए बहुत अच्छी बात है, Arvind, have you established a new model? Is there now an Arvind Kejriwal model of governance that we are seeing in this election? Delhi ke logo ka model of governance hai. Delhi ke logo ki nayi kisam ki rajniti hai. Arvind Kejriwal to bahut chhota hai. Arvind Kejriwal ki koi aukaat nahi hai. Delhi ke log bahut bade hain. Unhone desh ke samne ek bahut badi lakeer khinchi hai. And I'm really proud of my people of Delhi. Just a quick word and also on the campaign, Arvind, जिस तरह की कैंपेन रही, आपने भी बहुत एक सधी हुई कैंपेन आपकी तरफ से भी रही, बीजेपी आपके एक सामने थी, उनका थोड़ा वोट शेयर बढ़ा जरूर है, कुछ सीट भी बढ़ी हैं, इस कैंपेन के बारे में कुछ बोलेंगे आप? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बिटर कैंपेन हुआ, चुनाव खत्म हो गए, अब सब लोग अपना बिटरनेस भूल जाए, सब लोग अपना बिटर कैंपेन भूल जाए, और अब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलके काम करें और दिल्ली को बहुत अच्छा बनाएंगे, क्या दिल्ली के लोगों के साथ सारी सरकारें मिलके दिल्ली को बहुत अच्छा बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।